नमस्कार, मैं वेद प्रकाश पांडे गाजीपुर। आज मैं जखनिया तहसील पे उपला यहाँ पर उपस्थित हूँ और आज वीर शहीद रामोग्रह पांडे जी का 51वां शहादत दिवस यहाँ के सामाजिक संगठन, यहाँ के सैनिक संस्था संगठन और यहाँ के राजनैतिक संगठन के द्वारा मनाया जा रहा है। आइए मैं आपको यहाँ के कार्यक्रम से रूबरू कराता हूँ और बात कराने की कोशिश करता हूँ। यहाँ के जो सामाजिक संगठन के लोग हैं, सैनिक संस्था के लोग हैं और यहाँ के राजनैतिक संस्था के लोग हैं। आइए सबसे पहले जिला के अध्यक्ष श्री प्रमोद वर्मा जी हैं, मैं प्रमोद वर्मा जी से बात करने की कोशिश करता हूँ। प्रमोद वर्मा जी, आज हमारे प्रेरणा स्रोत, नौजवानों के प्रेरणा स्रोत, देश के स्वाभिमान महावीर चक्र विजेता परम श्रद्धेय शहीद रामोग्रह पांडे जी का 51वां शहादत दिवस है। निश्चित रूप से हम सभी लोगों के लिए यह गौरव की बात है कि जब देश के जवान सीमा पर रक्षा, हम लोगों की रक्षा करते हैं, तब जाकर हम लोग अपने घरों में चैन की नींद सो पाते हैं। और यह पल, आज का पल जो है, यह गौरव वाला पल है कि जब भारत पाक का युद्ध हुआ था, आदरणीय श्री श्रद्धेय शहीद रामोग्रह पांडे जी ने दुश्मन देशों के कई बंकरों को ध्वस्त करते हुए जो है खुद को बलिदान कर दिया था और दुश्मन सेना को परास्त कर पाक पर भारत की विजय दिलाई थी। ऐसे महान शहीद के जन्मोत्सव पर आज हमारे सेना के जवान भारत माता की जय उपस्थित हुए हैं। ये सभी लोगों के लिए बहुत ही सम्मान और गौरव का पल है। निश्चित रूप से हम सभी को ऐसे वीर शहीद जवानों से प्रेरणा लेनी चाहिए और क्षेत्र के लोगों को ऐसे वीर जवानों के शहीद अवसर पर जो है आकर नमन करना चाहिए और नौजवानों को एक संदेश देना चाहिए कि जब तक हमारे जवान हैं तब तक हमारा देश सुरक्षित है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ जो सैनिक हैं, जो शहादत दिवस में श्री रामोग्रह पांडे जी को अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए आए, मैं उनसे भी बात कराने की कोशिश करूंगा। अच्छा, परिचय अपना। जी, मैं संतोष कुमार मौर्या, सैनिक स्वास्थ्य संस्था का अध्यक्ष। और ये जो यहाँ पर जो कार्यक्रम किया गया है, इससे काफ़ी खुशी होती है और क्षेत्र के लोगों से मैं यही निवेदन करूंगा, जैसे हर साल जो कार्यक्रम होता है इसको थोड़ा भव्य रूप दिया जाए, जैसे कि क्षेत्र के जो नवयुवक हैं उनमें जो है उत्साह ज़्यादा हो। और जो महावीर चक्र विजेता हमारे रामोग्रह पांडे जी हैं, जो इनके क्षेत्र में भी, गांव में भी मनाया जाता था, इस साल वो कार्यक्रम नहीं मनाया जा रहा है, ये थोड़ा सा दुख की बात है। और इस यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं, मैं यही चाहूँगा कि अगली बार जो है कार्यक्रम और बड़ा हो और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग भागित चले जाना हो। नमस्कार, आप मेरे साथ मेरे सहयोगी रिपोर्टर शिव प्रकाश पांडे की खास रिपोर्ट जखनिया से। नमस्कार।